ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। हम पढ़ चुके हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब हम पढ़ेंगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये अमरावती जो है ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। और ये भी इंडिजीनियस है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ का था? गंधार स्कूल ऑफ इंडो ग्रीस था। ये इंडिया का ही है, इंडिजीनियस। और किस रिवर के बैंक पे बनाया गया है ये? जो मतलब इसका आर्ट जो किया गया है वो कृष्णा रिवर के बैंक्स के आसपास इसका आर्ट देखने को मिलेगा आपको अमरावती। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर तो आपको पता है सबसे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है गंगा। तो कृष्णा रिवर जो है ये है थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, पहले नंबर पे है गंगा और दूसरे नंबर पे है गोदावरी। गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर और इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। ये चार स्टेट से पास होती है, कौन कौन सी? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन चार स्टेट से ये रिवर पास होती है। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स। ये कृष्णा रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है? ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट को हम क्या भी कहते हैं? वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। और वेस्टर्न घाट में भी किस पोर्शन से निकलती है ये? वेस्टर्न घाट सह्याद्री भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट के किस जोर विलेज जो महाबलेश्वर के पास है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और गिरती किस में है ये कृष्णा रिवर? ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। और कहाँ पे? हमलासा देवी, हमलास हमास हमासाला देवी, आंध्र प्रदेश में है ये। इस कृष्णा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है विजयवाड़ा और सांगली। विजयवाड़ा वाड़ा और सांगली दो लार्जेस्ट सिटीज हैं जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्यों कौन सी है? तुंगा भद्रा रिवर। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तुंगा भद्रा रिवर। क्लियर हो गया? इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भीमा रिवर। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल पार्क जो लोकेटेड है कृष्णा रिवर बेसिन्स पे। कौन कौन सा नेशनल पार्क कृष्णा रिवर के बेसिन्स में लोकेटेड है? चंडोली नेशनल पार्क, कुदरमुख नेशनल पार्क, मरुगावी गवानी नेशनल पार्क। चंडोली नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? कृष्णा रिवर। कुदरमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ये सिचुएटेड है कहाँ पे? बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। मरुगवानी नेशनल पार्क ये दिखाया हुआ है मैप, कृष्णा रिवर का मैप। तो देखो कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? कृष्णा रिवर निकली यहाँ से वेस्टर्न घाट्स के, महाबलेश्वर जोर विलेज से, सतारा डिस्ट्रिक्ट से, और जाती गई ये इसकी बीमा एक ट्रिब्यूटरी आ गई। और भी ये गोड इसकी ट्रिब्यूटरी है, सीना इसकी ट्रिब्यूटरी है, कंगना इसकी ट्रिब्यूटरी है, और नीरा इसकी ट्रिब्यूटरी है, वरना इसकी ट्रिब्यूटरी है, मोन इसकी ट्रिब्यूटरी है, बोरी नाला, येरी, डॉन, तुंगा भद्रा इसकी ट्रिब्यूटरी है। तुंगा भद्रा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और लॉन्गेस्ट इसकी भीमा, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया? तो मरुगवानी नेशनल पार्क इसके बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट ये कौन से, ये जो कौन सा पढ़ रहे हैं हम? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में हमने पढ़ा कि ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ अमरावती, साउदर्न इंडिया का है, और बैंक किसका? कृष्णा रिवर का। उस टाइम पे कौन से रूलर्स किसके टाइम पीरियड में? अगर हम देखें तो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो कुशन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया कुशन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, लेकिन ज्यादा फ्लरिश किया गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड। नेक्स्ट आ जाता है सातवना रूलर्स। ये सातवना रूलर्स के बीच में सातवना रूलर्स कौन से हैं? जो देखो पहले आती है मौर्यन, पहले आए मौर्यन, मौर्यन डायनेस्टी आती है।
मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन के बाद नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं कुशंस और साउदर्न इंडिया में आते हैं सातवनास, फिर इनके बाद आती है गुप्ता डायनेस्टी कुशन और सातवनास के भी बाद में। ये सातवना डायनेस्टी साउदर्न इंडिया में, जो कुशन टाइम पीरियड उसी के टाइम पीरियड में ये बने। तो ये कौन सी है, कौन से टाइम पीरियड में आ जाती है, सपोर्ट किसको करते हैं, हिंदुज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, दोनों की पिक्चर्स देखें देखने को मिलेंगी। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में मिलती हैं किसकी, बुद्धिज्म की। फिर उसके बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में तीनों रिलीजन की, हिंदुज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसमें हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों मिलते हैं। ये सातवनास का रूल दिखाया हुआ है साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कौन थे उस टाइम के, कुशंस, और साउथ इंडिया में कौन से थे, सातवनास थे उस टाइम पीरियड में। आपको पता है बाकी सिंगल इमेज पे फोकस करते थे, आंखें बंद होती हैं बुद्धा की किसमें, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, और आंखें खुली होती हैं, ठीक है, स्माइलिंग फेस होता है किसमें, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। यहाँ पे डायनेमिक इमेजेस होती हैं, इसमें डायनेमिक इमेजेस होती हैं जिसमें पूरी स्टोरी सी दिखाई जाती है, नरेटिव आर्ट दिखाया जाता है। और स्कल्पचर्स में आपको त्रिभंगा पोस्चर मिलेगा, स्कल्पचर्स में आपको त्रिभंगा पोस्चर मिलेगा, मतलब बॉडी के थ्री बैंड्स दिखाए होंगे। नेक्स्ट, ये डेवलप, ये भी इंडिजीनियस डेवलप्ड है, पहला जो था वो इंडो ग्रीक है, सेकंड जो है वो इंडिजीनियस, और ये भी। इसमें कौन सा मार्बल यूज किया हुआ है, स्कल्पचर्स में यूज किया है व्हाइट मार्बल, स्कल्पचर्स में यूज किया है व्हाइट मार्बल। और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है इनमें भी, बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस। स्कल्पचर जो है वो मोस्टली दिखाते हैं किसकी पिक्चर्स, तो देखो स्कल्पचर्स में लाइफ स्टोरीज दिखाई जाती है बुद्धा की, लाइफ स्टोरी बुद्धा की, जातक का टेल्स दिखाए जाते हैं, जातका जो है स्टोरीज दिखाई जाती है, जातका भी स्टोरीज हैं बुद्धास की। तो देखो इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं दोनों, देखो फर्स्ट जो है वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, सेकंड जो है मोरियन स्कूल ऑफ आर्ट, और यहाँ पे देखो नेगेटिव पिक्चर्स दिखाई हुई, बहुत सारी दिखाई हुई है। ये कौन सा आ जाता है, याद आ जाता है अमरावती स्कूल ऑफ, इन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट व्हाइट मार्बल यूज हुआ है। थीम्स क्या, मैं क्या दिखाया हूँ, बुद्धा लाइफ दिखाई है, जातका टेल्स और कर्ली हेयर्स दिखाए, बुद्धा लाइफ दिखाई और जातका टेल्स और कर्ली हेयर्स जो है वो इन्फ्लुएंस है ग्रीस से, आपने पढ़ा था, तो वो थे एनवी। अब एक इम्पोर्टेंट अपडेट आता है यहाँ पर, यहाँ पे अपडेट है कि बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार, इन्होंने 70 फीट का टाल स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, और ये सेकेंड टालेस्ट स्टैचू होगा बुद्धा का इन कंट्री में। फर्स्ट टालेस्ट स्टैचू कहाँ है, बोध गया में। ये स्टैचू इंस्टॉल है अबव 16 मीटर रेडियस, ऊपर हवा में, किस लेक में, गोरा कटोरा लेक में, गोरा कटोरा लेक में, ये देखो देखो फिगर में, ये गोरा कटोरा लेक है, गोरा कटोरा लेक है, इसमें दिखाया हुआ है ये बुद्धिस्ट का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू, ठीक है, 16 मीटर ये ऊपर है और 70 फीट का ये टॉल स्टैचू है, और कहाँ पे है, ये राजगीर में है, और किस लेक के ऊपर है, ये लेक है गोरा कटोरा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें अच्छे, ताकि ऐसी मोर वीडियोस के साथ हम आप और आते रहें। थैंक यू अ लॉट।